तो फिलहाल मैं उठ चुका हूँ, 6:30 हो रहे हैं सुबह के। ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से भी ज़्यादा है। नहा रहा हूँ और नहा के निकल जाऊँगा। मेरा आज का मेन मोटो सिर्फ यही है कि आराम से नेचर में बैठूँगा, कुछ नहीं करना। शायद ड्राइंग ही करूँ और कुछ खास नहीं। बैक पे देखो, इतना मस्त लग रहा है सनराइज। अंदर आ गया, हाथ फ्रीज हो गए थे। जल्दी से जाता हूँ, नहाता हूँ, फिर थोड़ी देर अंदर बैठूंगा ब्लैंकेट में और उसके बाद मैं पैकिंग करूंगा और भग। मजा आ रहा है, मेरे पास टाइम है यहाँ पे रुकने का, बट मेरा होटल के अंदर रुकने का मन नहीं है आज, तो मैं बाहर ही निकलूंगा। मिलता हूँ जब बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, उससे पहले भी मेरे को एक काम है जरूरी। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ नैनी लेक। एक चाय तो बनती है, फिर फाड़ेंगे थोड़ा। ये बहुत स्टीप है तो मेरे को ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। माय गॉड, आपकी आँख फक। आंटी जी रोक लो यार, डबल कॉन्फिडेंस होगा, मुझे नहीं है। कैमरे का एंगल मुझे दिख रहा है टेढ़ा है भाई साहब। अगर ये गाड़ी से देख के समझ सकते हो या बट वाई एम स्केर्ड। मैं कल भी तो उतारी है। सही में लग रहा है 35 डिग्री पे डिक्लाइन मार रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को बेंच प्रेस की जरूरत क्या है? बेंच की एक रोड पकड़ो, इंक्लाइन करो, डिक्लाइन करो। कैमरा एंगल सही, रुक के करूंगा। आप देख ही सकते हैं बाकी सबने स्वेटर और सब पहना हुआ है। भाई सर्दी लेने के मूड में भी नहीं। ओह माय गॉड यार, एक हफ्ते बाइक की भी खींचनी है मैंने पहाड़ी पे। और कल मेरे को यहाँ से आना था, गेट बंद हो गया था तो मैं कर नहीं पाया। और मैं ये पूरा रास्ता घूम के आया था जो सुनसान था। आई वाज अबाउट टू प्रेस द हॉर्न बट दिस इज नो हॉर्न जोन, मे बी बिकॉज दिस इज हाई कोर्ट। ओह माय गॉड, दिस इज अनदर ग्रेट व्यू। इस साइड दिल्ली, इस साइड नैनी लेक, और मैं जा रहा हूँ नैनी लेक। ओके ओके ओके, आराम से आराम से आराम से आराम से। बढ़िया सी कॉफी पी ली और जैसे मेरे को चाहिए थी स्ट्रांग और बिना चीनी के। मैं आप लगाता हूँ, निकलता हूँ, घूमते हैं फिर से। बट आज शायद ज्यादा व्लॉग ना करूँ। मेरा ड्रीम बाइक भी बाइक लेके आऊँ किसी दिन नैनीताल। और मैं 3-4 साल पहले, शायद 4 साल पहले, ऊपर से बाइक भी नहीं थी मेरे पास, क्लासिक थी। और मैंने पूरा पाल दिया या उससे पहले जब मैं आया था मेरे घर से, तब पास आया था क्योंकि मेरे 7 बंदे ज्यादा थे और 2 व्हीलर शायद कुछ मेरे पास ही है। मैं अच्छा लग रहा है, ठंड है, यहीं से वापस लूंगा या फिर शायद फोटोज क्लिक करवा निकलूँ, शायद फोटोज, क्योंकि जो उनसे एंगल मेरे को चाहिए वो मेरे को नहीं मिलेगा आई बिलीव। लोग कितने देने फोटो दे दिया, नॉट सीन गाने हो जाए। फिलहाल मैंने ऑफ करके चला रहा था भाई, किसी चिड़िया आ रही थी रोड पर और इतने सारे हेयर पिन पेंट है ना, मतलब कितनी की देर से, मतलब 5 मिनट से तो मैं हेयर पिन पेंट ही कर रहा हूँ, हेयर पिन पेंट ही है सारे, या फिर ब्लाइंड टर्न भाई साहब आप जाओ वैसे शांति देना। शांति देखा
ओके तो प्लान तो नहीं था, बट मैंने सोचा आज होंडा की टेस्ट ड्राइव ली जाए इसकी फॉर माय नेक्स्ट बाइक माइट बी, एंड माय फ्रेंड आल्सो वांट टू बाइक, माय फ्रेंड आल्सो वांट दिस बाइक, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेस्ट ड्राइव दिस. दिल्ली में टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स इतनी सारी तो नहीं होंगी, यहाँ पे भी नहीं होंगी और डेफिनेटली, बट यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाएगी. हाँ कोई नहीं, सैटरडे यहाँ पे सब बंद रहते हैं शोरूम्स एंड ऑल. तो लेट्स, वी हैव टू रोल नाउ क्विकली, लेट मी प्ले दी सॉन्ग. तो मेरे को गुरुद्वारे का टॉम दिखना शुरू हो गया था. इस गुरुद्वारे की स्टोरी, पांच गुरुद्वारे हैं इसी जगह पे तांडा कीचा में, हर एक की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें से एक ये नानकपुरी साहिब है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी को एक पठान था रोहिल पठान, उसने पांच बार बेचा था. तो पांच में से एक बार यहाँ पे बेचा था, जहाँ पे एक वेल है उससे रिलेटेड स्टोरी है. स्टोरी बताने से पहले मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा, आओ अंदर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरी कंप्लीट करता हूँ. तो साखी कुछ ऐसी है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत थी, तो पठान थे उन्होंने गुरु साहिब को बंदी बनाया और उनको बेचा. तो यहाँ पे एक कुआं है, गुरु साहिब को बोलते हैं कि जाके पानी लेके आओ, जिस जिस पानी पे लेने जाते हैं वो उस कुएं का पानी सूखता रहता है. सेम ऐसे ही हुआ होता है जब वो उनको एक बाग में भेजते हैं चक्की पीसने के लिए बोलते हैं, उसी के साथ भी होता है. तो ऐसे ही बार बार होता है, उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये एक कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई एक दैविक बालक है, और उनसे माफ़ी मांगते हैं और छोड़ देते हैं. अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो डिस्कवर सिखिज्म या इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे ये स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा. इस शॉट के बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था. वहाँ पे लोकल शॉप थी एक, उन्होंने एक न्यू नीडल निकाल के दी. वहाँ पे कोई करता, उन्होंने मेरे फ़ोन में सिम डाल के दिया मेरे को. तो ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू उत्तराखंड. तो यहाँ पे चेकिंग चल रही थी, अभी भैया ने मेरे को रोका है, और अपनी प्यारा बच्चा आपो सब है DL 10SU 4638 DL 10SU SU 4638 कुछ मैं लिख में ही हूँ. नहीं हो ही नहीं सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ भैया. उस चीज़ के लिए मैं आपको नहीं जा सकता, बट मैं आपको पॉल्यूशन दिखा जरूर सकता हूँ. ये लो,
4638 2021 चौथा महीना 24/4 अभी चौथा ही तो चल रहा है आज तो है ना सर अभी है DL10SU 4638 अच्छा मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा बट मेरे को ठीक है थैंक यू दिन खराब नहीं बहुत खराब चल रहा है बट बच गए थैंक यू बाबा जी कुत्ता इतनी चेकिंग क्यों है वैसे इतनी चेकिंग क्यों है हाँ किसकी वजह से एसपी का धन्यवाद धन्यवाद भैया